श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में कब जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा? साथ ही हम सभी जो गृहस्थ जन हैं, वह 18 या 19 किस दिन व्रत करें? पूजा की संपूर्ण जानकारी और कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी जन्माष्टमी से संबंधित आज इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। जैसे कि यह दिन समर्पित होता है भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप का, उनका पूजन किया जाता है। माता यशोदा के गर्भ से उन्होंने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का इस दिन पूजन किया जाता है। भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से पूजन करता है, उनकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है। ऐसे में 18 और 19 दो दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, अष्टमी तिथि जो है 18 अगस्त शाम 9:21 से शुरू हो जाएगी, जबकि यह दूसरे दिन 19 अगस्त को रात 10:59 तक ही है। ऐसे में आप सभी जो है कब व्रत करेंगे? जैसा कि कहा जाता है, उदिया तिथि और साथ ही अष्टमी तिथि होनी चाहिए जब कृष्ण जन्म हो, और रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। ऐसे में 18 अगस्त को तो यह रात 12 जब हम भगवान कृष्ण का जन्म कराएंगे तो अष्टमी तिथि पूर्ण रूप से विद्यमान हो रही है, जबकि 19 तारीख को यह सिर्फ 10 तक ही है। तो ऐसे में जो गृहस्थ जन है उनके लिए 18 तारीख ही मान्य हो रहा है, जैसे आप स्क्रीन पर पंचांग में भी देख पा रहे हैं। तो जो गृहस्थ जन होंगे वह 18 तारीख को व्रत करेंगे, जबकि जो साधु संत जो होंगे या मंदिर में होगा, जहाँ पर मंदिर इत्यादि होते हैं, वहां पर 19 तारीख को यह पूजन इत्यादि किया जाएगा। ऐसे में गृहस्थ जन जो है 18 तारीख को व्रत करेंगे, साधु संत या मंदिरों में ये प्रोग्राम जो है 19 तारीख को होंगे। ऐसे में आप सभी अन्य लोगों की राय भी आवश्यक रूप से ले। जहां तक शास्त्र सम्मत और प्रमाण के साथ यही जानकारी मिल रही है कि 18 तारीख को ही व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके साथ ही जैसे कि मथुरा वृंदावन या बड़े बड़े जो भगवान श्री कृष्ण के धाम हैं, उनमें 19 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मथुरा वृंदावन में भी 19 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में दोनों दिन ही पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु व्रत करने के लिए 18 तारीख सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं, कब पूजन करें? 18 अगस्त को जो दोपहर में 12:05 से 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त होगा, जो पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। साथ ही निश्चित काल का समय जो रात्रि में आप पूजन करेंगे वह होगा 12:20 से 1:05 तक। ऐसे में राहु काल का समय भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कई अलग अलग तरह के शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, ध्रुव योग बन रहा है और साथ ही अलग तरह के शुभ संयोगों की इस दिन जो है कामना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पत्ति की गई है। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन पूजन करें, अर्चन करें और श्री कृष्ण भगवान की मनपसंद चीज़ें माखन मिश्री उसमें तुलसी दल आवश्यक रूप से सम्मिलित करें। इस तरह से आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।